हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बेहतरीन सब्जी बनाने जा रहे हैं। जो आजकल अभी मौसम चल रहा है उस सब्जी का, वो है सहजन की सब्जी। दोस्तों, सहजन का हम लोग आज सब्जी बनाने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। तो इसी का आज हम लोग सब्जी बना रहे हैं दोस्तों। और जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों का भी हौसला बढ़ सके। तो चलिए बनाते हैं सहजन की हम लोग चटपटी सब्जी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा ताज़ा ताज़ा सहजन, और हम लोग खरीद के लाए थे पेड़ से। इस समय इसका सीजन चल रहा है, बहुत ही मिल रहा है इस समय सहजन फल। और इसका पत्ता और फल दोनों का ही सब्जी बनाया जाता है। तो आज हम लोग सहजन फल का चटपटा सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसका छिलका उतार लेते हैं। ये देखिए, ऊपर से छिलका उतार के फिर इसको छोटा छोटा पीस कर लेंगे हम लोग इस तरह से। और सहजन दो प्रकार का होता है, एक तो देसी होता है, एक सहगोन का बोलते हैं। और हम लोग ये देसी जो गांव देहात में रहता है उसका लिए हैं। एक फार्म टाइप वाला भी होता है। तो चलिए हम लोग इसका छिलका उतार लेते हैं, फिर बनाते हैं हम लोग, छोटा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से रखे हुए हैं हम लोग, और छोटा छोटा पीस करते जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, इस तरह से कर लिए हैं। और सभी को ऐसे ही छिलका उतार के फिर पीस पीस कर लेते हैं छोटा छोटा सहजन को। देखिए दोस्तों, हमारा सहजन सभी को छोटा छोटा कर लिए हैं पीस। और अब बनाते हैं हम लोग स्वादिष्ट सहजन की सब्जी दोस्तों। चलिए बनाते हैं हम लोग सब्जी को। देखिए दोस्तों, हम लोग कढ़ाई रख लिए हैं सब्जी बनाने के लिए, और तेल डाल लेते हैं हम लोग। देखिए, तेल डाल लिए हैं और तेल गरम कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, हमारा तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है, और अब हम लोग सहजन को डाल लेते हैं भूनने के लिए। और अच्छा से भून लेते हैं, लाल होते तक भून लेंगे सहजन को। देखिए दोस्तों, हमारा सहजन बिल्कुल अच्छी तरह से भुना गया है, ये देखिए। और इसको निकाल लेते हैं हम लोग थाली में, और उसके बाद फिर प्याज ये सब भून लेंगे। ये देखिए, देखिए हम लोग सहजन को निकाल लिए हैं, और तेल फिर डाल लेते हैं प्याज भूनने के लिए। और हम लोग करी पत्ता डाल लेते हैं, और प्याज डाल लेते हैं, और अच्छा से भून लेंगे थोड़ा देर। देखिए दोस्तों, हमारा प्याज और करी पत्ता बिल्कुल अच्छा से भुना गया है। और टमाटर हम लोग ये काटे हैं, उसको भी डाल लेते हैं भुनने के लिए। ये देखिए, टमाटर को भी अच्छा से भून लेंगे, और नमक हल्दी मिर्चा ये सभी डाल लेते हैं। और दोस्तों, अब नमक डाल लेते हैं हम लोग। स्वाद अनुसार आप लोग नमक डाल लीजिएगा, हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं गांव देहात में। और हल्दी डाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा मकसद ये रहता है दोस्तों, ताकि हम लोग विलेज स्टाइल का ब्लॉग और कुकिंग पहुंचा सके, जो हमारा रहन सहन है। और मिर्च डाल लेते हैं अब हम लोग। ये देखिए, और मिला लेते हैं हम लोग अच्छी तरह से नमक मिर्चा को। थोड़ा देर भून लेंगे टमाटर, ताकि गल जाए अच्छा से। मसाला भी
नमक मिर्च अभी भुना जाए। देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर हल्दी मिर्च अच्छा से भुना गया है और हम लोग अब सहजन को डाल लेते हैं। ये देखिए, और मिला लेंगे अच्छा से। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे पकाने के लिए, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, हल्का। और चलिए फिर अब पका लेते हैं अच्छा से। देखिए दोस्तों, हमारा सहजन सब्जी पक के तैयार हो गया एकदम बढ़िया से। ये देखिए, और चलिए उतार लेते हैं चूल्हे से हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग चूल्हा से उतार लिए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा सहजन सब्जी बन गया है दोस्तों। ये देखिए, चूल्हा से हम लोग उतार लिए थे और एकदम मस्त सब्जी हमारा बना आज सहजन का। आशा करता हूँ दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम लोग सहजन की सब्जी बनाए थे विलेज स्टाइल में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।